सो आज कितनी एक्साइटेड है. आज कुछ कथक टाइप में क्लासिकली कुछ हिस्ट्री की बातें भी होंगी कुछ, तो क्या कहना चाहेंगे आज? एक्चुअली मैं संदीप सोपारकर की स्टूडेंट रही हूँ. मैंने उनसे पहले भी सीखा है एंड आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड टू सी कि वो क्या नई चीज़ करते हैं, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन करते हैं, फ्यूजन करते हैं. एंड लास्ट टाइम वो अपने वो डांसर आर्टिस्ट उनके साथ उन्होंने प्रोग्राम किया था, विच वॉज वेरी एक्साइटिंग. तो आज वो कथक और इंटरनेशनल डांसर्स के साथ पहले कर रहे हैं एंड देयर डूइंग महाभारतम. तो मैं देखना चाहूँगी, महाभारत हमने कई बार देखा है और उसको हर तरीके से हमने देखा है, डांस बैलेस मैंने देखे हैं, एज अ शो देखा है, लाइव देखा है. तो मैं आज देखना चाहूँगी कि संदीप सोपारकर जो काफ़ी वेस्टर्न सेंसिबिलिटीज़ रखते हैं, वो महाभारत को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं और उसको कथक स्टाइल में और इंटरनेशनल डांसर्स के साथ वो क्या करने वाले हैं. बिकॉज आई एम अ डांसर, आई एम एन आर्टिस्ट, आई लाइक टू अप्रिशिएट दैट. एंड आई वॉन्ट टू सी वॉट न्यू ही कैन डू विथ समथिंग दैट इज़ सो टाइमलेस. उसके साथ वो क्या नई चीज़ करने जा रहे हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दैट. सो कथक के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो द्रौपदी का जो चीर हरण हुआ था उस पर डिपेंडेंट कुछ रिलेटेड कुछ कंटेंट यूज़ किया है, तो आप उस चीज़ को किस तरह देखती हैं आज के वुमेंस एम्पावर को देखा जाए तो अवेयरनेस के बारे में? द्रौपदी चीर हरण के बारे में बहुत चर्चा हुआ है एंड वी ऑल नो दैट. उसको कई एंगल से उसको हमने डिसाइफर की है, फ्रॉम द अदर व्यू जो रेगुलर महाभारत में हमने देखा, फिर ऐसा वुमन व्हाट हैपेंस. सो यू नो शी इज़ बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ वुमेंस एम्पावरमेंट. सो आई वुड लाइक टू सी कि किस तरह से दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. हेमा जी आप जानते हैं वो द्रौपदी करती हैं एंड हर इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी क्लासिकल एंड वेरी डिफरेंट विद भरतनाट्यम एंड फोक डांस. सो टुडे अगेन वी आर गोइंग टू सी द्रौपदी इन अ वेरी कथक स्टाइल, संदीप सोपारकर स्टाइल, नॉट टू फॉरगेट बिकॉज इज अ वेस्टर्न सेंसिबिलिटी डांसर आर्टिस्ट. तो आई वॉन्ट टू सी बिकॉज मैं द्रौपदी हेमा जी परफॉर्मिंग मैंने कई बार देखा है, तो आज कथक स्टाइल में संदीप सोपारकर इंटरप्रिटेशन मैं देखने आई हूँ, देखूँगी. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि वही पुरानी चीज़ को हम अपने अंदाज से अपने इंटरप्रिटेशन से उनको कितना अलग और किस तरह से हम उसे देखें. एंड टॉकिंग अबाउट वुमेंस एम्पावरमेंट एंड द्रौपदी, उसके बारे में मैंने सोचा नहीं है. आई हैव कम हियर एज एन आर्टिस्ट टू सी, तो शायद ये शो देखने के बाद मे बी आई हैव सम थॉट्स ऑन दैट. सो एज अ आर्टिस्ट आप इंडिया में संस्कृति हर एक चीज़ की बात होती है, फिर भी इंडिया में रेप बहुत ज़्यादा होता है, तो मतलब महिलाओं पे बहुत अत्याचार होता है, हर एक चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है ट्रेडिशनल होने के बाद भी, तो उस पर आपका क्या टेक है? ये तो बहुत सीरियस क्वेश्चन दिया, इसके बारे में तो काफ़ी सोच के मुझे आंसर करना चाहिए. ये मैं इतना फ्रिक्वेंटली रेप के बारे में और औरतों के ऊपर जो ये सब हो रहा है उसके बारे में आई कांट जस्ट टॉक अबाउट इट बिकॉज इट टचेस माई हार्ट, क्योंकि आई हैव नेवर थॉट ऑफ माई सेल्फ एज अ फेमिनिस्ट. इनफैक्ट मैं फेमिनिस्ट उस टर्म से मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को एसोशिएट भी नहीं करती, क्योंकि मैंने देखा है कि उस वर्ड का भी गलत इंटरप्रिटेशन या अलग या उस इंटरप्रिटेशन से जिसे मैं एसोशिएट नहीं करती उस तरह से भी की जाती है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन फेमिनिस्ट एक्ट में कई बार ऐसा होता है कि वी आर ट्राइंग टू टेक अ मैंस पोजिशन और फाइट विद अ मैन, उसकी बराबरी करते हैं या उससे बेटर होना चाहते हैं. लेकिन आई एम वेरी प्राउड टू बी अ वुमन एंड आई वॉन्ट टू बी अ वुमन एंड आई लाइक. तो मैंने मैन एंड वुमन को आई सी देम एज अ एक ही पॉइंट या दो हिस्सा. अगर हम सेंसिटिव हैं और जेंटल हैं और नर्चरिंग है, मैन स्ट्रॉन्गर बिकॉज दैट्स द वे नेचर इज मेड इट, तो ही सपोज टू लव द वुमन. You know, a man has to love a woman, whether it's a mother, wife, girlfriend, daughter, sister. तो ये जो man की understanding में कि women को इस तरह से harass करना है, वो चीज़ में हमें बदलाव लाना है, ना कि हमें man हो जाना है. और अगर ऐसे होके उन्हें समझाना है, you know, ये सब ये बहुत deep debate की मतलब topic है. But I would like to say, I pray and I request that everybody to think deeply, every man to think of a woman as his own, to love, respect,
are all together. It's not man versus women. It's not girl versus boy. It's girl and boy together. We belong in this world. तो एक को मार के हमें सस्टेन अपने आप को नहीं करना, मिलकर साथ में. थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू. एक बहुत ही क्या कहते हैं संवेदना वाला और बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस मुद्दा है जो आज हमारा समाज फेस कर रहा है. और अगर देखा जाए तो संदीप चोपड़ा बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत अच्छा नाम है, नेहा बैनर्जी सॉन्ग से वेरी गुड ऑफ है. तो मैं सबसे पहले तो ये देखना चाहता हूँ कि वो डांस के नृत्य के माध्यम से किस तरीके से महाभारत आज हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें जितना कल्चर है वो तो कहीं है नहीं. तो आई जस्ट वांट टू सी कि ये आज कैसे होगा, सबसे पहली बात. और अगर हम ये बात करें कि हमारे देश में औरतों के प्रति जो व्यथा है, जो पीड़ा है, जो लोगों की सोच है वो किस तरीके से है, उसको बदलने के लिए तो खैर मैं कितना भी बोलूँ कम हूँ. इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी. घर में अगर आपकी माँ बहन है तो आप ये भी सोचोगे कि वो दूसरे हमारे घर में भी जो है उनके साथ में भी गलत कभी हो सकता है अगर हम किसी दूसरे के बारे में सोचें. ये छोटी सी बात आप दिमाग में रख के चलेंगे तो फिर शायद ये चीज़ें कम हो. और आई एम हियर टू सी दिस शो, लेट्स सी हाउ इट हैज कम अक्रॉस. बड़ी उम्मीदें देखिए क्या है कि मैं तो वैसे भी एडवोकेट हूँ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का, और हिंदुस्तानी शास्त्र के जितने भी अपने फॉर्म्स हैं म्यूज़िक से जुड़े हुए, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो वादन हो, चाहे वो क्या कहते हैं गाना हो, कि मैं मेरा खुद खानदानी बैकग्राउंड वही है तो उस चीज़ को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ. इसके लिए एक म्यूजिशियन होने के नाते, एक ऐसा म्यूजिशियन होने के नाते जिसके बचपन से लेकर अब तक के सफर में सब घर में संगीत हुआ, तो ये सब चीज़ें देखना और उसको सपोर्ट करना मुझे वैसे भी अच्छा लगता है. आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ हो रहा है और क्या किसी भी तरीके से हमारा कल्चर प्रमोट हो रहा है. आज जो डांस सैरंद्री जो डांस फॉर्म करने जा रहे हैं, द्रौपदी का एक भाग जो दिखाया जाएगा, औरतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? एक्चुअली मैं देखने के बाद ही बता सकता हूँ. मैं बहुत क्यूरियस हूँ, इंटरेस्टेड हूँ कि क्या करना चाहते हैं. द्रौपदी को कंटेम्प्रेरी वर्जन में कैसे, और जैसे हम जानते हैं संगीत काफ़ी वेस्टर्न डांसिंग में माहिर है, तो वो एक बहुत ही ओल्ड जो रिलीजियस सेंटिमेंट को या कहानी को प्रेजेंट डे में कैसे प्रेजेंट करते हैं, और इवन डांस फॉर्म में क्योंकि ज़्यादा देखा गया है कि अगर आप द्रौपदी की बात करते हैं या महाभारत की बात करें या रामायण की बात करें, उसकी बात करें, एसोसिएशन क्लासिकल डांसिंग से हो, यहाँ जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होगा जो आई एम श्योर वो लाएंगे, वो मैं देखना चाहता हूँ कैसे करेंगे. और आज के तारीख में जो आजकल हो रहा है औरतों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, ये मैं बहुत ही बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि सर जिस तरीके से आज की जो मुद्दा है हम औरतों के अत्याचार के बारे में बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये जो मुद्दा है वो कितने हद तक मतलब चेंजेस आने चाहिए औरतों को चीज़ों को लेकर? आई थिंक जब तक हर एक महिला सिर्फ इस देश में ही नहीं, दुनिया में अपने आप को सुरक्षित नहीं पाती, सेफ नहीं पाती, तो ये इशू खत्म नहीं हो सकता. ये आई थिंक सिर्फ नेशनल, हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा रेप केसेस होते हैं, औरतों को छोड़ो बच्चे उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, तो ये बहुत ही आई थिंक रेलेवेंट इशू है, बड़े सालों से रेलेवेंट है. और जब तक इसका कोई हल नहीं निकलता, जब तक मेरे हिसाब से जो पर्सनली होता है, जब भी मैं सुनता हूँ कि फलां लड़की का रेप हुआ या बच्ची का रेप हुआ, आदमी पकड़ा गया जेल में डाल दिया, मैं तो कहता हूँ उससे कहीं ज़्यादा सख्त उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल बने, ताकि वो कुछ करने से पहले हज़ार बार सोचें, उनको पब्लिकली
हैंग करा जाए या पब्लिकली पनिश किया जाए तभी वो सुधरेंगे, नहीं तो लोग सोचते हैं यार ठीक है यार हो गया तो बात नहीं देख लेंगे, सोचते नहीं रहते, वो डर उनके दिल में नहीं है। जब तक हम वो डर नहीं पैदा करेंगे तब तक ये मेरे हिसाब से नहीं होगा। जैसे मिडिल ईस्ट में सुना जाता है कि भाई आई फोन आए किसी ने चोरी किसी हाथ काट दिया, मुझे तो लगता है कि उसी लिमिट तक मैं जाना चाहिए स्पेशली ये इशू को लेकर। और लड़कियों के लिए और बच्चियों के लिए, मेरी खुद की बेटी है 5 साल की, तो मैं जब सुनता हूँ मुझे बहुत बहुत ही बुरा लगता है। और कोई भी पनिशमेंट कम नहीं है इन लोगों के लिए, रखनी चाहिए। आई होप कि हम इसके थ्रू लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। थैंक यू। क्योंकि मैं खुद एक कथक डांसर हूँ, जयपुर घराने से हूँ, रेजिडेंट बॉलीवुड, बहुत कुछ किया है कथक के प्रति, संगीत अलग अकेडमी बॉलीवुड और मेरे ब्रांचेस चलते चलते थे। जब कोशिश कथक के साथ जब कोई मिलकर होती है तो बहुत एक्साइटमेंट होता है, खासकर जब आपके खुद के दोस्त संदीप सोपारकर और मेरे लिए वो मेरी म्यूजिकल्स में और मेरे साथ रियलिटी में वो जज थे। हमने कई क्लासिकल और वेस्टर्न को साथ में जज करने का शो करके लेट्स डांस करके हमने जज किया। तो ऐसा इट्स ऑलवेज एक्साइटमेंट, इट्स ऑलवेज समथिंग दैट वी लुक फॉरवर्ड कि नई कोशिश करने वाले लोग कब हैं। आप लोगों का सहयोग है, मीडिया का सहयोग है, आज जैसे शोज हो रहे हैं तो ये ट्रेंड शुरू हो रहा है। मैं भी फ्यूजन्स में और म्यूजिकल्स में बहुत कुछ करते रहता हूँ कथक को लेकर। तो मेरा एक शो था अभिमन्यु करके जो किंगडम ऑफ ड्रीम्स में हुआ, उसकी स्टोरी कथक बेस्ड ही है और उसमें 300 आर्टिस्ट थे जिसमें संदीप सोपारकर भी आए थे लॉन्च में शो देने के लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रोडक्शंस, ऐसे शो ये कोशिशें वो ही कर सकते हैं जिनमें बहुत कुछ करने का जज्बा हो और सही गलत हम ना डिसाइड करें तो अच्छा है। हम ये देखें कि कला को हम किस स्तर पे ले जाना चाहते हैं, उसमें शास्त्रीय संगीत हो, क्लासिकल डांसेज हो, वेस्टर्न डांसेज हो, आज हिंदुस्तान में सब चीज़ें आ रही हैं, तो क्यों नहीं हर चीज़ का समावेश संगीत और नृत्य के माध्यम से भी किया जाए। तो मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं बस अंदर जाने की तैयारी में हूँ क्योंकि शो मैं मिस नहीं करना चाहता। आप लोग खूब अच्छा लिखिए, इसकी और पब्लिसिटी करिए और सारे दुनिया तक पहुँचाइए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि एक आर्टिस्ट के लिए एक शो खड़ा करना, उसे बनाना बहुत मुश्किल काम। आज बॉलीवुड की दुनिया में बहुत जल्दी स्पॉन्सर्स वगैरह मिल जाते हैं, सब कुछ आता है, क्लासिकल को लेकर इस स्तर पर लाना मैं समझ सकता हूँ, खासकर क्योंकि मैं इस चीज़ का ट्रेंड सेटर रहा और बहुत कुछ किया है। सो आप लोगों की, मीडिया की सबका आशीर्वाद दीजिए और इसको खूब लोगों तक पहुँचाइए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम श्योर द शो इज गोइंग टू बी रॉकिंग। संदीप यू आर गोइंग टू रॉक एंड द कथक डांसेस आर गोइंग टू रॉक एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय द शो एंड आफ्टर द शो आई एम गोइंग टू कम एंड टॉक टू यू। थैंक यू। ऑलराइट।